क्लास 10th एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 2.3 का दूसरा सवाल, आपने उसके जो दूसरे और तीसरे पार्ट कर लिए होंगे जो मैंने आपको करने को दिए थे। और आइए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपसे कहता है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। ठीक है, ऐसा देखिए उदाहरण जो आपका है वो पहले वाला भी था, जो उदाहरण नंबर 9 था वैसा ही है ये सवाल, तो इसे हम देख लेते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक, तो आपको पता है कि इसके दो शून्य क्या है, तो हम शून्य कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। देखिए इसकी घात क्या है, 4, तो इसमें कितने शून्य निकलेंगे, 4 निकलेंगे, तो हमें अल्फा और बीटा मतलब जो हमें दिए हैं रख दें अगर यहाँ पे, और तो ये दो शून्य हमें दिए हैं और हमें दो और निकालने इनकी मदद से। तो हम क्या करते थे कि जो दो शून्य दिए हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उनका हम गुणा कर देते थे। तो जब हम इसका गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर, और ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका बी का स्क्वायर कर देंगे मतलब रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/3। तो देखिए हमारे पास ये शून्य आ गए, ये हमारे पास एक समीकरण आ गई, और इस बहुपद से जो है हम इसे भाग करेंगे, इस बहुपद से हम इसे भाग करेंगे तो हमें एक भागफल मिल जाएगा, फिर उसके हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, उसके हम गुणनखंड कर लेंगे तो हमें और जो दो शून्य ज्ञात करने हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए भागफल करते हैं, देखते हैं क्या आता है भागफल। देखिए अब क्या करेंगे, जो हमें भाजक दिया है उससे हम भाज्य को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहले हमारे पास भाज्य आते थे वो क्या होते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 या 3, यहाँ पे बटे में कभी मतलब परिमेय संख्या कभी नहीं आती थी, आज परिमेय संख्या आई है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए हमें इतना ध्यान रखना पहले कि एक्स की पावर 4 और 3 लाना है, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 3x स्क्वायर से हम गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 और यहाँ माइनस का 5/3 क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस ये इससे कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ 3 की घात वाला कोई भी नहीं है, तो हम 3 की घात वाले को ऐसे ही लिख देंगे 6x क्यूब, और ये जो प्लस का है इसे हम ऐसे लिख देंगे 5/3 एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या लाना है हमें, 6x क्यूब लाना है, तो हम 6x से यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का, देखिए 5/3 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। यहाँ देखिए ये जो 5/3 इंटू 3 था वो कितना आ गया था हमारे पास, 15, या 5 नहीं यहाँ 15 है, और जब हम इसको काट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। ठीक है, तो यहाँ 5 आएगा, ठीक यहाँ 5 आएगा, और जब हम 5/3 इंटू 6 करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 10, तो हमारे पास 10x आ जाएगा माइनस के, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये से कट जाएगा, और यहाँ देखिए ये जो माइनस 10x थे और ये प्लस के थे, ये माइनस के, तो ये हमारे कट गए। अब यहाँ क्या आ गया, 5x स्क्वायर आ गया, और यहाँ कितना आ गया माइनस के 5। ठीक, अब देखिए यहाँ मिलाना है 5x स्क्वायर, तो हम यहाँ से 5 जोड़ दें। ठीक, यहाँ अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x स्क्वायर और माइनस 5/3 इंटू 5 करेंगे, माइनस 5/3 इंटू 5 करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए ये देखिए हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे 5x स्क्वायर आए थे और यहाँ देखिए माइनस 2x स्क्वायर थे, तो 5 में से 2 घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस के आए थे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 आ जाएगा यहाँ हमारे पास, तो यहाँ भी हमारे पास 3 आ जाएगा, तो हम यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए 5/3 × 3 करेंगे तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास -5। यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस ये कब कट गए और हमारे पास जो भागफल आ गया वो क्या आ गया ये आ गया। अब आपको पता है इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा गुणनखंड, आपके पास 2 शून्य का आ जाएंगे। देखिए चौथा सवाल आपसे जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि x²-3x²+x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः क्या आते हैं x-2 और -2x+4 आते हैं तो gx याद करना है। देखिए आपको px दिया है, gx दिया है, qx दिया है और rx दिया है, मतलब हमें gx निकालना है, gx हमें नहीं दिया है सॉरी, तो हमें px qx और rx दिया है। ठीक है, तो हम px qx rx को अपने जो है स्थान पर रख देते हैं इस समीकरण में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की समीकरण में क्या रख दे, क्या है हमारे पास x² हमारे पास दिया है x³ 3x² + x+2 और gx हमें निकालनी है और हमें qx क्या दिया है, हमें भागफल और शेषफल, भागफल क्या होता है qx, तो यहाँ हम लिख देंगे qx क्या दिया है x-2 और शेषफल क्या है -2x+4। देखिए हमारे पास ये दिया है तो देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं x³ -3x² + x+2 और यहाँ देखिए ये -2x से ये +2x हो जाएंगे और ये +4 से ये -4 हो जाएंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास gx / x-2। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये हम देखिए क्या हो जाएगा x³ - 3x² और ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास -2। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास gx और बटे में हम यहाँ कर सकते हैं अपॉन में x-2, तो gx हमारे पास ये मान आ गया। आप x-2 से इसको भाग भी दे सकते हैं तो भागफल जो आएगा वही gx का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप भागफल निकाल सकते हैं कि ये आपका चौथे सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं पाँचवा सवाल। देखिए पांचवा सवाल जो है वो बिल्कुल ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब आपको पता है, जैसे आपकी एक्सरसाइज है इसके आगे एक और एक्सरसाइज है पर्सनालिटी 2.4 उसके आगे लिखा है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है कि अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, आपको जितना तैयार करना था अगर आपने पूरे सवाल लगाए हैं तो आप उतना तैयार कर चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल ऐच्छिक है, ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा मुझे पता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा क्या है हमें 3 प्रतिबंध दिए हैं, कंडीशन दिए हैं। कंडीशन से आने से पहले हमसे क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता है क्या होती है, px इज इक्वल टू क्या होता है gx into qx plus rx। ठीक है, तो इसको संतुष्ट करनी चाहिए। ठीक है, और कंडीशन क्या दिया, पहली हम देख लेते हैं क्या दिया हमें, घात दिया है, घात px बराबर घात qx, इसका मतलब समझे आप कि जो px की घात हो वो किसके बराबर होनी चाहिए, qx की घात के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कुछ भी हल नहीं कर सकते, आप कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा सकते जिससे आप जल्दी निकाल सकें। हाँ ट्रिक्स हो सकती है वो बात अलग है, लेकिन इसीलिए आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं देगा ये सवाल। ठीक है, बहुत मुश्किल है, अगर दे भी तो भी है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ आप सोच सकते हैं कि ये रखें, ये आप px का मान रखें और qx का मान मतलब उसकी घात बराबर रखें और ऐसा कुछ संख्या रखें, बहुपद लें कि ये जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने निकाला है क्या आएगा वो देखिए, अगर हम px का मान क्या रखें 4x²-4x+40 for 28 और जो qx है वो कितना रखें, gx जो है वो कितना रखें हम 2, qx क्या रखें हम 4 और qx क्या रखें हम 2x²-2x+14 और rs जो है वो अगर हम 0 रखें तो देखिए जो हमारा यूक्लिड विभाजन समीकरण है वो बिल्कुल संतुष्ट करती है, आप रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी उत्तरमाला भी दिए में भी दिए हैं,
तो आप अगर आपको कॉपी में लिखना ही है तो आप उत्तरमाला से देख लिख सकते हैं, इतना कुछ उसमें सॉल्व नहीं करना है, बस आपको लिख देना पी एक्स का, जी एक्स का, क्यू एक्स का और आर एक्स का मान, ठीक है। तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे तो आपकी जो उत्तरमाला दी है उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा और तीसरा जो प्रतिबंध है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी ऐच्छिक है, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रश्नावली 2.4 भी है जो आप चाहे तो कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अगर उसमें से कोई सवाल नहीं आता है आपको तो आप वो पूछ सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा बस, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है, पाठ है, वो ख़त्म होता है, और अगली वीडियो में हम समझेंगे जो आपका दूसरा तीसरा सब चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है।